जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी पॉजिटिव है आपके लिए, ईश्वर वो आपको ज़रूर दें। डियर, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक ऐसा है कि स्किप नहीं कर सकते आप। सोच लीजिए, स्किप नहीं कर सकते आप। और ये भी मेडिटेट करते वक्त ही हमें सजेस्ट हुआ है कि हम इस टॉपिक पर बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद इस टॉपिक की ज़रूरत थी, ये जानने की ज़रूरत थी कि ईश्वर आपके सामने किस रूप में आते हैं, वो आपको किस रूप में दर्शन देते हैं, वो किस रूप में आपको सजेशन देते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईश्वर, एंजल्स, गॉड, वो सिर्फ एक ऊर्जा हैं। उनके पास हमारी जैसी बॉडी नहीं होती है। बॉडी होती तो है पर सूक्ष्म शरीर होता है, बहुत सूक्ष्म, जो कि हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं अगर हम उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना कर रखते हैं, या बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमारा उनसे है तो हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। ऊर्जा को क्या कोई आज तक देख पाया है? ईश्वर भी एक तरह की एनर्जी है, एक तरह की ऊर्जा है, लेकिन हम उसे जिस रूप में पाना चाहते हैं, जिस रूप में देखना चाहते हैं, वो हमारे लिए उस रूप में तैयार हो जाते हैं। ईश्वर कभी भी साक्षात दर्शन किसी को भी नहीं देते हैं, वो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं, किसी न किसी को जरिया बनाते हैं। अब जैसे हम सब एक सोल हैं, जैसे हम सब सोल हैं, समझ रहे हैं, फिजिकल लेवल पर हम सब एक दूसरे से अलग हैं, हम सब के नाम हैं, घर है, मकान है, देश है, विदेश है, सब अलग हैं, धर्म अलग अलग हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सोल लेवल पर हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो ये जो सोल्स होती हैं, इन सब के स्पिरिट गाइडर्स होते हैं। आप जिन्हें इष्ट देव भी बोल सकते हैं, आप जिन्हें परमपिता परमेश्वर बोल सकते हैं, आप जिन्हें अल्लाह, गॉड, कुछ भी, आप उन्हें जिस नाम से भी बुलाते हैं, आपके वही स्पिरिट गाइडर, आपके वही एंजल्स, आपके वही ईश्वर, आपके वही इष्ट देव किस रूप में आपको दर्शन देते हैं, किस रूप में आपके सामने आते हैं। तो चलिए, दो पाइल हैं, जल्दी से पाइल चूज कर लीजिए। आंखें बंद करके, अपने इष्ट देव को याद करके, एंजल्स को याद करके एक पाइल चूज करिए, फिर अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है? जय श्री कृष्णा। डियर, ऑप्शन नंबर वन, ग्रुप नंबर वन, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आप जानना चाहते हैं कि आपके एंजल्स, आपके इष्ट देव, आप जिन्हें भी मानते हैं, वो आपको किस रूप में दर्शन देते हैं, वो किस रूप में आपके सामने आते हैं। देखिए, वो हर वक्त आपके साथ हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ लोगों का दुर्भाग्य कहेंगे, कुछ लोगों का दुर्भाग्य ही कहेंगे, जो इतने करीब होते हुए भी उन्हें पहचान नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं पाते। क्योंकि डियर, आपके स्पिरिट गाइडर, आपके एंजल्स हर घड़ी आपके साथ रहते हैं। यहाँ पर देखिए, सब लोगों के लिए कुछ अलग अलग कंडीशन है, वो हम आपको बताने वाले हैं। ईश्वर, जिनका देह बहुत सूक्ष्म होता है, जो सूक्ष्म शरीर में होते हैं, तो हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते, वो कोई भी रूप धारण करके आ सकते हैं, वो कोई भी रूप धारण करके आपको आपको ये महसूस कराना चाहते हैं, अपनी पॉजिटिविटी से आपको हील करना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं, आपके आंसू पोंछना चाहते हैं। हमारी तरह उनका पंच भौतिक शरीर नहीं होता कि वो आपके पास आ जाएं, आपको समझाने लगें, हाँ, पर वो कुछ समय के लिए किसी न किसी का रूप धारण कर लेते हैं, किसी न किसी के अंदर उनकी चेतना प्रवेश कर जाती है। आपको पता है, 6-7 महीने पहले हमने इसी टॉपिक पर रीडिंग की थी, और पाइल नंबर वन की जब हमने रीडिंग की थी तो हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगी थी। सेम आज फिर वही सब कुछ हुआ, सेम, लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी है, आपकी इस वक्त जो कंडीशन हम देख रहे हैं, इसे देखकर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, समझ रहे हैं? हमें नहीं, उन्हें, जो हर वक्त आपके साथ है। इस वक्त वो हमारे अंदर से बोल रहे हैं
इस वक्त वो अपना गुस्सा हमारे अंदर से निकाल रहे हैं, वरना अगर हमारी बात करेंगे तो फिर हमें क्या फर्क पड़ता है, हम कौन सा आपको देख रहे हैं। लेकिन जो देख रहे हैं, जिन्होंने हमें सजेस्ट किया है ये वीडियो बनाने के लिए, उन्हें तकलीफ होती है आपकी इस हालत को देखकर। समझ रहे हैं आप कितना एग्रेशन में हैं, आप कितने गुस्से में हैं, आप कितना चिड़चिड़ापन है आपके अंदर। और ईश्वर हर घड़ी हर वक्त आपको समझाना चाह रहे हैं, सही रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि बेटा नेगेटिविटी मैनिफेस्ट हो रही है, प्लीज़ पॉजिटिव हो जाओ, प्लीज़ पॉजिटिव हो जाओ। लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, दिल टूट गया है, कोई छोड़ कर चला गया है, आप जी नहीं पा रहे हैं। क्या नाटक है ये, क्या बदतमीजी है ये सब करने से आप अपना फ्यूचर अच्छा कर लेंगे, लगता है आपको? आप नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को। आप जानना चाहते हैं कि वो किस रूप में आते हैं? कुछ लोगों के सामने आपके एंजल्स एक डॉगी के रूप में आते हैं। हो सकता है कि आपने अपने घर में कोई पपी पाल रखा हो, कोई पेट पाल रखा हो, कोई डॉगी हो आपके आसपास। जब आप रोते हैं, जब आप परेशान होते हैं ना, अभी पता है हमारा रोने का मन हो रहा है, इस रीडिंग को करते हो कितने भावुक हो रहे हैं हम। वो जब भी आप कुछ गलती करते हैं, जब भी आप रोते हैं, जब भी आप कुछ गलत कर रहे होते हैं, तब भी वो डॉगी आपके आगे पीछे करता रहता है। वो आपके स्पिरिट गाइडर हैं। शर्म कर लो थोड़ी सी, जिन्हें आपके सामने आने के लिए एक डॉगी के शरीर में जाना पड़ता है। हो सकता है कुछ लोगों ने पाल रखा हो तो आपका उससे बहुत अटैचमेंट हो। आप याद करिए, बताइए कमेंट करके कि क्या ऐसा होता है जब आप रोते तो आपके सामने आपका डॉगी बार बार आता है, आपके साथ खेलने की कोशिश करता है, आपको कुछ बताने की कोशिश करता है। क्या है ऐसा? 100% वो आपके सामने एक डॉगी के रूप में आते हैं। और पता है, वो हमेशा आपको बहुत सारी चीज़ों को करने से रोकते हैं, मना करते हैं, पर आपको लगता है कि अरे ये तो कुत्ता है, इसकी कौन सी बात माननी चाहिए, अरे मैं इंसान हूँ, ये कुत्ता है, कुत्ते की बात क्या माननी। हर किसी में परमात्मा है, हर किसी में, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। वो जो चेतना है, वो जो परम आत्मा है, उस सब के अंदर सामान्य रूप से है, उसका एक ही स्वरूप सभी के अंदर है। और वो आपको एक डॉगी के रूप में बार बार रोकने की कोशिश करते हैं, सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। अभी कुछ लोगों का दिल टूटा हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से। कुछ लोगों का हो सकता है कि शायद फैमिली में कोई इशू हो गया है, आपके अपनों ने ही आपको तकलीफें दी हैं। कुछ लोगों के लिए लगता है कि उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो गया है। तो कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि जिससे आप प्यार करते थे, उसने थर्ड पार्टी के लिए चीट कर दिया है। तो अभी आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन में हैं, किसी चीज़ का अंत हुआ है, और हमें ये रिश्ता लग रहा है कि ये कोई रिश्ता था जिसका अंत हो गया है। जिस चीज़ का भी अंत हुआ हो, अलग बात है, हमारा टॉपिक है ईश्वर किस रूप में आते हैं। आज हम आपके रिश्तों को लेकर नहीं उलझने वाले, ध्यान रख लो आप, बस हम बता रहे हैं आपको। और देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आसपास शायद कुछ हॉर्सेस हैं, मतलब घोड़े, समझ रहे हैं? बताइए हमें कमेंट करके, हमें थोड़ा बोलना खुद अजीब लग रहा है, लेकिन क्या बताएं, कितनी स्ट्रांग वाइब आ रही है। सच में आप सामने होते पता नहीं क्या करते हम, सच में। बताइए, कितने लोगों के घर के आसपास कुछ घोड़े रहते हैं क्या? वो कभी कभी आपको देखने के लिए एक घोड़े के रूप में आते हैं, हॉर्स के रूप में आते हैं। देखिए ना, मतलब कि कितना कनेक्ट है वो आपसे। वो आपको दुखी नहीं देखना चाहते, वो आपको समझाना चाहते हैं, वो आपको इन रूपों में दर्शन देते हैं। कुछ लोगों को एक छोटे बच्चे के रूप में दर्शन देते हैं। जब भी आप दुखी होते होंगे, एक छोटा सा बच्चा, कोई छोटा सा बेबी, वही समथिंग, एक दो साल का छोटे से बच्चे के रूप में आपके सामने आते हैं। या आपके घर में ही, आपके फैमिली में किसी को बेबी हुआ हो और वो इतने साल का हो, आप जब भी उसकी आंखों में देखेंगे ना, तो आपको आपका रब दिखाई देगा, समझ लो आप। और कुछ लोगों के सामने ना एक पक्षी के रूप में आते हैं, कि पक्षी कोई भी हो सकता है, कोई भी पक्षी हो सकता है।
कुछ लोगों के सामने बटरफ्लाई के रूप में आते हैं, तो कुछ लोगों के सामने एक पक्षी के रूप में आते हैं। जब भी आप ना नेचर के आसपास होते हो तो पक्षी के रूप में आते हैं, मतलब वो तुरंत बॉडी चेंज करते रहते हैं। ये थोड़ी ना कि हमारी तरह वो कोई बंधे हुए थोड़ी ना है कि हम एक बॉडी में है तो दूसरी बॉडी में नहीं जा सकते। वो तो फ्री विल है, वो तो स्वतंत्र चेतना है, वो तो दो दो सेकंड में बॉडी चेंज करते रहते हैं। बस 2 सेकंड के लिए इस बॉडी में आ गए तो 2 सेकंड के लिए उस बॉडी में चले गए। समझ रहे हैं? आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत हर्ट हुए हैं, तो अब आपको लगता है कि दुनिया बहुत बुरी है, सब बहुत बुरे हैं, कहाँ मर जाऊँ, कहाँ चला जाऊँ, क्या कर लूँ, है मतलब कि भागना चाहते हैं। कहाँ जाएंगे भाग के? जहाँ जाएंगे वहाँ फिर यही सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। पता है इंसान की फितरत ऐसी है, वो जंगलों में भी चला जाए ना तो कुछ समय बाद वो जिन चीज़ों को छोड़कर आया है वो वही चीज़ें वहाँ पर भी इकट्ठा कर लेता है। आप कहाँ भाग कर जाएंगे? आप जहाँ जाएंगे वहीं पर ऐसे लोग मिलेंगे। आप कब तक मुसीबतों से भागेंगे? आप कब तक भगोड़े बनेंगे? बताइए, मुसीबतों से भागने से क्या मुसीबतें कम हो जाती हैं? नहीं होती ना, उनका सामना करना पड़ता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, प्लीज आज 1 सेकंड के लिए भी मन में ये मत लाना कि ये हम बोल रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं बोल सकते थे ये सब कुछ। बहुत बुरा लग रहा है हमें, बहुत ज़्यादा आपके लिए, कि वो आपके इतने करीब है और आप उन्हें इस कदर इग्नोर करते हैं। जब आपके स्पिरिट गाइडर जो हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, जब उन्हें आपको समझाना होता है ना, तो वो आपके सामने एक लेडी के रूप में आते हैं। ये लेडी कोई भी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, ये लेडी जो भी है ना, इंडिपेंडेंट लेडी है ये, बहुत मेच्योर है, बहुत समझदार है। समझ रहे हैं? इसके अंदर जो नेचर है ना, वो माँ जैसा है। ये लेडी कोई भी हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है, कैसे भी आपको समझाती होगी। ये थोड़ी ना है कि जो आपके घर में हो सिर्फ वही हो, ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिली हो, आपके आसपास रहती हो, आप मंदिर मस्जिद जाते हो वहाँ पर आपको कोई मिलता हो, या फिर आप किसी की रीडिंग देखते हो तो वो आपको समझाती हो। कोई लेडी है वो आपको समझाती है। और हमने कहा ना कि आप एक ये डॉगी और दूसरा ये हॉर्स, घोड़े, आप इन्हें तो 100% समझ लीजिए। जिनके आसपास ये चीज़ें हैं उनके साथ तो यहाँ पर, क्योंकि ऐसे स्ट्रांगली ऐसे साइन दिए हैं इन्होंने कि हम क्या बताएं आपको। कुछ चीज़ें ना शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल होती हैं, और आज हम बोलने में असमर्थ हैं, मतलब कि स्पीचलेस हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। जानते हैं इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप एक मास्टर सोल हैं, और जब एक मास्टर सोल फालतू की चीज़ों में फंस जाती है ना और निकल नहीं पाती, फिर वो उनका सामना करने की बजाय उनसे भागना चाहती है, मन में नेगेटिव थॉट्स लाती है, एग्रेसिव हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, छोटी छोटी बातों में तो तकलीफ होती है। हम भी कभी आपके जैसे ही थे, संभाला है खुद को हमने भी? क्या कोई पेट से इतना स्पिरिचुअल थोड़ी होता है? धीरे 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 पड़ाव आते जाते हैं, पर हम भागे थोड़ी, हमने सामना किया, सबका सामना किया है। डरते नहीं हम किसी से भी। जो लोग मैरिड हैं उनके हस्बैंड या वाइफ, उनके साथ झगड़ा वगड़ा हो गया है, या फिर फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज हो गए हैं जिसकी वजह से आपके हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, वो आपके साथ कह रहे हैं कि चलो कहीं बाहर रहेंगे, चल के अलग रहेंगे, चल के दूर चलो फैमिली से। आपके अंदर थोड़ा सा डर भी है कि कैसे रह पाएंगे, फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे रहेंगे, लेकिन आपके पर्सन इतने सक्षम हैं कि वो आपको खुश रख सकते हैं, वो सभी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। बस आपको इमेच्योरिटी नहीं दिखानी है। अगर फैमिली साथ छोड़ देती है तो ईश्वर हमेशा आपके साथ है। कुछ लोग यहाँ ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, 11-11 जिन्हें दिख रहा है वो ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, उनसे भी ईश्वर यही कह रहे हैं कि शादी की जल्दी मत करो, शादी करके कुछ बड़ा नहीं कर लोगे आप, बल्कि और फंस जाओगे बंधनों में। भी आप दोनों स्वतंत्र हो, मेडिटेशन कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन जब आप शादी करोगे ना तो शादी सिर्फ आप दोनों की नहीं होगी, शादी दो परिवारों की होती है, जिसमें कितने सारे रीति रिवाज होते हैं, कितने सारे बंधन होते हैं, फिर आप दिन पे दिन उनमें बंधते चले जाओगे, तो आप कभी भी अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो मत करो, डरो मत कि रिश्ता टूट जाएगा, डरो मत कि रिश्ता खत्म हो जाएगा। बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, कोई कितना भी साम दाम दंड भेद अपना ले,
कोई अलग नहीं कर पाएगा, तो टेंशन मत लो। और कभी कभी कुछ काम नम्रता से किए जाते हैं, हमेशा एग्रेशन नहीं दिखाया जाता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए दिमाग की नहीं दिल की ज़रूरत होती है। अगर वहाँ आप अपना दिल इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको सक्सेस मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगी। लेकिन आपने हमेशा दिमाग लगाया है तो आपको लगता है कि चलो फिर दिमाग लगा लेते हैं, चलो फिर गुस्सा कर लेते हैं। बहुत सारे काम जो प्यार से बन सकते हैं, वहाँ आप अपना गुस्सा इस्तेमाल कर लेते हैं, और गुस्सा इस्तेमाल करने से काम खराब हो जाता है। अब एक बात सुन लो हमारी ध्यान से, जितने लोग भी हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं उन्हें डेली सूर्य को अर्घ देना है, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, प्रत्यक्ष देवता है जो हमें दिख रहा है, जो हमें प्रकाश देता है। तो आपको डेली डेली सूर्य देव को अर्घ देना है, जल देना है। इससे आपके जीवन में उजाला आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। और कुछ लोगों के लाइफ पार्टनर इतने पॉजिटिव हैं, इतने पॉजिटिव हैं, वो आपको प्यार से कभी कभी समझाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एंजल्स की स्प्रिट आ जाती है। वो समझाते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, आपको हील करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ आप अपना दिमाग लगाते हैं कि अच्छा आज ये इतनी अच्छी बातें कैसे कर रहा है, बस काम खराब हो गया। कभी कभी दिल की भी सुन लिया करो। हमेशा जो इंसान नेगेटिव रहता है, अगर वो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव हो जाए तो थोड़ा अजीब लगता है, समझ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो खुद से इस तरह हुआ है, उसे किया गया हो सकता है आपके लिए। तो इस बात को समझिए। और हमने आपको बता दिया है कि आपके ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं और किस रूप में दर्शन देते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इसे चलने दीजिए। और जब भी अब आपको महसूस हो कि ईश्वर आपके सामने है, तो तुरंत हाथ जोड़िए, उनसे प्रे करिए कि वो आपका साथ कभी ना छोड़े। और ध्यान रखना, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, आप कभी अकेले नहीं होते, वो हर कदम पर आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। और सॉरी, गुस्सा कर दिया ना हमने, पर हम नहीं कर रहे थे, सच्ची ईश्वर थे, हमारे अंदर से बोल रहे थे, हम नहीं कर सकते आप पर गुस्सा। लव यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है, ठीक है, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर दीजिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर टू, ग्रुप नंबर टू, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आप जानना चाहते हैं कि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर, आपके इष्ट देव आपको किस रूप में दर्शन देते हैं, वो किस रूप में आपके सामने आते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो स्पिरिट्स होती हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि वो पंच भौतिक शरीर में नहीं होती हैं, है ना। वो पंच भौतिक शरीर से मुक्त होती हैं, हमारी तरह उनके पास बॉडी नहीं होती है, बहुत सूक्ष्म शरीर होता है जिसे देखने में हम लोग सक्षम नहीं हैं। महसूस कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति को फील कर सकते हैं कि वो हैं आसपास, उन्होंने छुआ, लेकिन उन्हें देख नहीं सकते। तो किस रूप में आते हैं आपके एंजल्स आपके सामने, बताते हैं। सबसे पहले तो जो बहुत स्ट्रांग साइन है ऑप्शन नंबर टू वालों के लिए, तो कबूतर। आपके घर के आसपास कबूतर बहुत सारे हैं, शायद हैं कबूतर, कमेंट करिए जल्दी से। कबूतर हैं आपके आसपास, जिनके भी घर के आसपास कबूतर हो, तो उनके लिए एक कबूतर के रूप में आते हैं। जब भी आप मेडिटेट करते होंगे, जब भी आप बाहर जाते होंगे, वो कबूतर हमेशा आपके आसपास रहता है। शायद आपने इस बात को गौर किया हो या फिर ना किया हो, ध्यान करिए। और जिनके घर के आसपास कबूतर नहीं है, तो उनके पास किसी न किसी अदर पक्षी के रूप में आते हैं, पर आते हैं क्यों? आपको समझाने के लिए कि लाइफ कॉम्पिटिशन नहीं है, इस जिंदगी को जियो, कंपटीशन के चक्कर में बर्बाद मत करो, करो मरो की स्थिति मत लाओ। किसी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती, हर किसी के अंदर ईश्वर ने अलग सा टैलेंट दिया है।
पूरा अस्तित्व सम्यक भाव से जीता है, पूरा अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड सम्यक भाव से जीता है। कोई भेदभाव नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, सिर्फ मनुष्य को छोड़कर। हमें हर बात में पड़ोसी से कंपटीशन कर रहे हैं, तो कभी रिश्तेदारों से कंपटीशन कर रहे हैं, तो कभी फैमिली में भाई बहनों से कंपटीशन कर रहे हैं कि मैं तुझसे आगे, मैं तुझसे आगे, मैं तुझसे कम नहीं, मैं तुझसे ज्यादा। क्यों? अगर जिंदगी को एक कंपटीशन बनाओगे ना, तो जी नहीं पाओगे। और कब जिंदगी खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा। ये जो जिंदगी को आपने नरक कर रखा है ना, सिर्फ कंपटीशन के चक्कर में, कंपैरिजन के चक्कर में, आपको क्या लगता है कि यार जिंदगी बहुत है, आगे चल के सुख से जिएंगे? आपने कल देखा है? आपको पता है कल क्या होगा? इस कोरोना में कितने लोग चले गए जिनकी उम्मीद नहीं थी, वो भी चले गए। क्या उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग नहीं की होगी? और कितने प्रमाण चाहिए? देखिए, जो भी आपसे कह रहा है कि वो बड़ा है, वो ऊंचा है, वो श्रेष्ठ है, तो उसे होने दो। ईश्वर ने किसी को भी एक जैसा नहीं बनाया है। सबके अंदर कुछ अलग अलग टैलेंट दिए हैं। जो आपके अंदर है वो उसके अंदर नहीं है, जो उसके अंदर है वो आपके अंदर नहीं है। सबसे आगे मैं, इस रफ्तार में जिंदगी को खत्म मत करो, ये आपके स्पिरिट गाइडर कहना चाहते हैं आपसे। अभी वो हमारे अंदर से बोल रहे हैं। अगर आप इतने समझदार होते, अगर आप इतना समझते, आज हमें ये वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पता है, हम मन में सोच रहे थे कि, तो हम यही सोच रहे थे कि किस टॉपिक पर रीडिंग करें, और हम मेडिटेशन करने लगे, बालकनी में मेडिटेशन करने लगे। सडनली इंट्यूशन आई कि हमें इस टॉपिक पर रीडिंग करनी है कि ईश्वर आपको किस रूप में दर्शन देते हैं और वो आपको क्या समझाने के लिए आते हैं। अब आप पक्षियों की भाषा समझेंगे नहीं, वो अपनी भाषा में तो बहुत सारी गुटर गूं करते हैं, पर आप क्या समझेंगे? आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बोल रहा है ना? तो एक कबूतर के रूप में आपके ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइडर्स, आपके एंजल्स आपके सामने आते हैं, जो आपको बहुत कुछ समझाना चाहते हैं। जब आप बहुत अकेलापन महसूस करते हैं ना, आपको पता है, ये जो आपको लगता है ना कि मैं सबसे पीछे क्यों, जिनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है वो आगे क्यों, और सब उसके साथ क्यों, मैं अकेला क्यों, आपको पता है सबकी चॉइस अच्छी तो नहीं हो सकती ना। और जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है ना, वो अकेला ही है। आप एक भीड़ का हिस्सा नहीं है ना, आप शेर की तरह हैं। आपका जो अस्तित्व है ना, वो शेर की तरह है। और जो भीड़ को पसंद करते हैं, जिनकी तरफ भीड़ भागती है ना, उनके अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो भीड़ के मुताबिक चलते हैं। लेकिन आप अपनी आत्मा के मुताबिक चलते हैं, इस वजह से आप अकेले रह जाते हैं। तो अपने अकेलेपन को कोसा मत करिए, अपने अकेलेपन को इंजॉय किया करिए। समझ रहे हैं? आप खुद को भीड़ का हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप यूनिक हैं, यूनिक। आप किसी के जैसे बनने की कोशिश मत करिए, आप किसी की कार्बन कॉपी नहीं है। कार्बन कॉपी बहुत गंदी होती है, बहुत भद्दी होती है। जो आपको ईश्वर ने दिया है, आप उसे निखारिए, उसे लाइए दुनिया के सामने। किसी के जैसा करने की कोशिश मत करिए। जब आप अकेले होते हैं ना, आपके आसपास कोई वृद्ध पुरुष, मतलब कि कोई, जैसे कि काफ़ी एजेड कोई वृद्ध पुरुष आपके सामने आते हैं, जैसे कि आपके दादाजी हो सकते हैं, या कोई भी, कोई साधु सन्यासी, कोई फकीर, बूढ़ा आदमी, समझ रहे हैं, जिसकी एज समथिंग 70+ हो, उस रूप में भी कभी कभी वो आपको समझाने के लिए आते हैं। अगर आप मंदिर जाते होंगे ना, तो वहाँ पर कोई ना कोई आपको मिल जाता होगा कुछ ना कुछ गाइडेंस देने के लिए। या फिर अगर आप मस्जिद जाते होंगे, कहीं पर भी आप जाते होंगे, तो कोई ना कोई बूढ़ा इंसान आपको मिल जाता होगा, मतलब कि कोई वृद्ध पुरुष आपको मिलता है, जो आपको समझाना चाहता है, जो आपको रास्ता दिखाना चाहता है। और उस वक्त उस वृद्ध पुरुष के अंदर आपके एंजल्स होते हैं, आपके स्पिरिट गाइडर होते हैं, क्योंकि जब उन्हें किसी को जरिया बनाना होता है ना, किसी के माध्यम से बोलना होता है ना,
तो वो किसी न किसी की बॉडी का सहारा लेते हैं आप तक पहुंचने के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, समझ रहे हैं। और स्पेशली ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि ज़्यादा खुद पर बोझ मत लादिए, मतलब कि जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है, समझ रहे हैं। जिंदगी जीने के लिए मिली है, उसे आराम से जियो, ऐसे वेस्ट मत करो, भागम भाग मत मचाओ, सब कुछ समय के हिसाब से होने दो, वो बेस्ट होगा आपके लिए। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि खुद को थोड़ा आराम दो, खुद को थोड़ा रेस्ट दो, इतना बोझ खुद पर मत ला दो, ये बोझ तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ देगा। डिवाइन को सरेंडर करो, आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, अंदर ही अंदर इतना घुटन मत महसूस करो। आपके अंदर जो थॉट चल रहे हैं ना, वो टोटली नेगेटिव हैं आजकल, तो थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ। शायद किसी बात का गिल्ट है कुछ लोगों को, वो अंदर ही अंदर किसी बात के लिए गिल्ट कर रहे हैं, किसी बात के लिए बहुत परेशान हैं। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि गिल्ट खत्म कर दो, जो होना था सो हो गया, ठीक है, अब गिल्ट मत करो, अब आगे क्या करना है उसका सोचो, लेकिन बहुत लंबा मत सोचो कि इतने साल बाद, नहीं, अभी का सोचो, प्रेजेंट का सोचो, लेकिन वो गिल्ट खत्म करो। जो बात पास्ट में हुई है उसे पास्ट में ही छोड़ दो, उसे प्रेजेंट में मत घसीटो, अगर उसे प्रेजेंट में घसीट लोगे तो वो फ्यूचर तक अपने आप घसीट कर जाएगी, समझ रहे हो। हमें पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, लेकिन आराम से करो। आपको पता है जल्दबाजी में किया हुआ काम अच्छा नहीं होता, उसमें क्वालिटी नहीं होती है, उसमें आप भी थक जाते हैं, काम भी अच्छा नहीं होता है, और शरीर भी थक जाता है, मन भी थक जाता है, फिर आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाएंगी चेहरे पे। एक बात बहुत स्ट्रांग तरीके से पता चली हमें, डियर ग्रुप नंबर टू, कितने लोग हैं जो जिन्हें बुद्ध का जीवन अच्छा लगता है, जो बुद्ध से बहुत प्रभावित हैं, महात्मा बुद्ध से, गौतम बुद्ध से, कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लोग उन्हें अपना आइडल मानते हैं, कितने लोग उनके बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कहा ना, अति मत करो किसी भी चीज़ की, मध्य में ठहर जाओ, न कोई चीज़ बहुत कम होनी चाहिए, न कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मध्य में होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, तो ज़िंदगी आपकी मध्य में चलनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें 50% लोगों के स्पिरिट गाइडर बुद्ध लग रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस, एक संतुलन बनाना चाहते हैं, जो कि बुद्ध आपसे कहना चाहते हैं कि लाइफ को संयम से जियो, समझ रहे हैं, संयम बनाकर रखो अपनी ज़िंदगी में, एक बैलेंस क्रिएट करो, कोई चीज़ ना बहुत कम होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि कुछ लोग काम करेंगे तो इतना करेंगे, दिन रात काम में ही लगे रहेंगे, फिर अपने परिवार को टाइम नहीं देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन रात परिवार में ही लगे रहेंगे, काम में ध्यान नहीं देंगे, मतलब प्यार, परिवार, करियर और ईश्वर, सब में बैलेंस बनाकर रखो। ये आपके स्पिरिट गाइडर महात्मा बुद्ध का आपके लिए संदेश है। कुछ लोगों के उनके स्पिरिट गाइडर एक लेडी के रूप में दर्शन देते हैं, जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल लेडी है, लेकिन मैरिड लेडी है ये, ठीक है, मैरिड है, इसकी एज है 30-40, लोगों की वाइफ हो सकती है, कुछ लोगों की माँ हो सकती है, कुछ लोगों की सिस्टर हो सकती है, कुछ लोगों की फ्रेंड हो सकती है, ये कोई भी लेडी है, ये बहुत स्पिरिचुअल है, नेचर लविंग है, इंडिपेंडेंट है, समझ रहे हैं, और काफ़ी समझदार, सुलझी हुई, इसे ज़िंदगी का बहुत अनुभव है। तो ये आपको हमेशा सही रास्ता दिखाती है। अब आप हमें बताएंगे कि ये कौन है। कभी कभी एंजल्स आपके सामने इनके रूप में भी आते हैं। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। कंफ्यूजन की स्थिति में यूं हैं, उन्हें किसी से प्यार हो गया है, या फिर वो किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों का झगड़ा हो गया है, तो कुछ लोगों को अभी हाल फिलहाल किसी ने प्रपोज किया है। अगर आपका प्यार है, प्रेम है, समर्पण है,
तो ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना। अगर आपको महसूस हो कि ये प्यार नहीं सिर्फ आकर्षण है, क्योंकि आकर्षण कभी भी ख़त्म हो जाएगा और फिर आप एक दिन फिर से टूट जाएंगे, तो इस आकर्षण को यहीं पर ख़त्म कर देना, उसे आगे मत बढ़ाना। तो अभी कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आया है या फिर कोई पहले से उनकी लाइफ में है जिसके बारे में आप ये जानना चाहते हैं कि क्या वो आपका सच्चा जीवन साथी है, क्या वो आपका सोलमेट है, क्या वो आपका ट्विन है, क्योंकि उसके साथ आपको बहुत अट्रैक्शन, बहुत अपनापन महसूस होता है। तो आप द्वंद्व की स्थिति में है कि क्या करूं, ये प्यार है या आकर्षण है, आप जानना चाहते हैं ना। आपको खुद ही महसूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन है। कुछ लोगों का तो ये ट्विन फ्लेम है, समझ रहे हैं, जिसके प्रति आप इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में जो पर्सन हाल फिलहाल अभी आया है, देखिए 666 सबको दिख रहा होगा, समझ रहे हैं, 666 666 दोनों को दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है जिसका ट्विन है और आपको भी दिख रहा है जिसका ये नॉर्मली सोलमेट टाइप है, लेकिन सिर्फ अभी आकर्षण है, ठीक है। तो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सोच समझकर रिश्ते को आगे बढ़ाना, जल्दबाजी मत करना, ये आकर्षण भी हो सकता है, ठीक है। और आकर्षण कभी भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर से आप अकेले हो जाओगे या फिर ये पर्सन आपको कभी भी चीट भी कर सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझकर रिश्ते को आगे बढ़ाना है। आप अपनी लाइफ में सक्सेस माना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, आपको लगता है जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं, जॉब के सिलसिले में, किसी रिश्ते के सिलसिले में, जहाँ पर भी, तो एंजल्स आपको अभी भी हम बोल रहे हैं, किसी न किसी के थ्रू एक मैसेज दे रहे हैं, उसे समझिए। आपको तुरंत आपकी आत्मा बोलेगी कि हाँ, आपके क्वेश्चंस का ये आंसर है, समझ रहे हैं। तो ईश्वर आपको ये संदेश देना चाहते हैं, ईश्वर आपके सामने किस रूप में आते हैं, किस रूप में दर्शन देते हैं। कुछ लोगों के सामने कबूतर के रूप में आते हैं, कुछ लोगों के सामने एक वृद्ध पुरुष के रूप में आते हैं, कुछ लोगों के सामने एक लेडी के रूप में आते हैं जो कि बहुत स्पिरिचुअल है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या आपके साथ ऐसा होता है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।